أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 22. As you know that we had started chapter number 3 in our last lecture, which is about object-oriented programming in C++. Okay? In today's lecture, we will try to cover some more concept of C++. यानी आज के लेक्चर में हम C++ के दो मज़ीद चीज़ों के मुतालिक या कंसेप्ट्स के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे. सो द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज अबाउट एडर फाइल्स एंड रिजर्व वर्ड्स. ठीक है, इन टुडेज लेक्चर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज मेंट बाय एडर फाइल्स एंड व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व वर्ड्स. सो प्लीज़ ओपन योर बुक. जैसे आप देख रहे हैं ये आपके सामने एडर फाइल्स एंड रिजर्व वर्ड्स. सबसे पहले हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय एडर फाइल. एडर फाइल क्या होती हैं और इनको कैसे अपने प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है, उस मेथड को हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम रिजर्व वर्ड्स के मुतालिक पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये इसकी डेफिनेशन है आपके पास कि द C++ कंटेन्स मैनी एडर फाइल्स. एडर फाइल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम इन विच दीज आर यूज्ड. ठीक है, यानी C++ के अंदर बेशुमार किस्म की एडर फाइल्स मौजूद होती हैं. ठीक है, और एडर फाइल्स के अंदर अमूमन वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि प्रोग्राम को ज़रूरत होती हैं, यानी जिस प्रोग्राम के अंदर भी आप उसको शामिल करेंगे उसको यानी इन एडर फाइल्स की ज़रूरत होगी. यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि एडर फाइल्स जो होती हैं ना, ये बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. यानी जो लैंग्वेज डेवलपर होते हैं या लैंग्वेज के बनाने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने ये फंक्शंस जो हैं वो आप लोगों की आसानी के लिए पहले से लैंग्वेज के अंदर शामिल कर दी होती हैं. ठीक है, अगर वो ये ना करते तो फिर ये जितने भी फंक्शंस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं आगे आप देखेंगे प्रोग्राम में, जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज़ करेंगे cn. ठीक है, इसी तरह एक फंक्शन यूज़ करेंगे cout. ठीक है, ये दो फंक्शंस की एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि cn और cout फंक्शंस आप आगे जाके प्रोग्रामों में यूज़ करेंगे. तो अगर ये एडर फाइल्स ना होती तो फिर इन फंक्शंस के लिए भी आपको कोडिंग करनी पड़ती और आपका ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है प्रोग्रामिंग में. ठीक है, अब इन एडर फाइल्स का फ़ायदा ये होता है कि ये जितने भी फंक्शंस आप इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस उन फंक्शंस की कोडिंग जो है वो ऑलरेडी प्रोग्रामर लैंग्वेज डेवलपर्स ने इन एडर फाइल्स के अंदर कर दी होती है. आपका काम सिर्फ ये होता है कि आप इन एडर फाइल्स को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर देते हैं. ठीक है, आगे आएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके मतलब भी आप लोग जान जाएंगे कि व्हाट इज मेंट बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. समझ गए एडर फाइल्स को. अब यहाँ पे आपके पास है कि इट हैज़ .h एक्सटेंशन. ठीक है, ये बात याद रखें कि जितनी भी एडर फाइल्स होती हैं आपके पास, ठीक है, उनके नामों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एक एडर फाइल है आपके पास C++ में मैथ के नाम से, तो इनके नामों के साथ इस तरह .h एक्सटेंशन आएगी ये वाली. ठीक है, यानी जिस फाइल के साथ भी .h लगा हुआ हो तो समझ जाए कि वो एडर फाइल है. ठीक है, अच्छा, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेडर फाइल्स आर iostream.h, conio.h एंड math.h. अब यहाँ पे तीन जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है math.h, दूसरी है आपके पास iostream.h, ठीक है, तीसरी है आपके पास conio.h. ठीक है, यहाँ पे इन तीन एडर फाइल्स का फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ. इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एडर फाइल है वो आपके पास ही है iostream.h. इन i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट, स्ट्रीम फॉर स्ट्रीम, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h. ये जितनी भी पहले मैंने आपको फंक्शन बताए थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको cn बताया था, cout बताया था, ठीक है, ये फंक्शंस जो हैं ये इस एडर फाइल के अंदर आपके पास इस यानी केस हेडर फाइल के अंदर ये कोडिंग जो है
ये ओवीवी होती है, ठीक है। और कॉनियोफार, CON4 कंसोल, इनपुट आउटपुट डाटेज, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा पिछले साल यानी कि 10th में जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो वहाँ पे आप देखते थे कि आपके पास जो जो आउटपुट होता था वो इस किस्म की एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता था, ठीक है। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है यहाँ पे, तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन आपके सॉरी डॉस की स्क्रीन आपके सामने ओपन की है, लेकिन वो जो स्क्रीन होती है वो भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है और इस पे इस किस्म का आउटपुट जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होता है, ठीक है। सॉरी, तो जो ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है इसको प्रोग्रामिंग की ज़बान में क्या कहा जाता है, इसको प्रोग्रामिंग की ज़बान में कंसोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है इसके ऊपर जो आउटपुट अपीयर हो रहा होता है ये इस एडर फाइल की वजह से आपके सामने अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। यानी कंसोल इनपुट आउटपुट की जितनी भी कोडिंग हुई भी होती है वो इस हेडर फाइल के अंदर होती है। और मैथ डाटा जैसे कि नाम से जाहिर है कि जितनी भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जैसे स्क्वायर रूट है आपके पास, ठीक है, या और जितनी भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो ये सारे अगर आपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने हैं तो देन यू मस्ट हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन ये बात फिर अपने दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि ये जो एडर फाइल्स हैं आईओ स्ट्रीम डाटेज और कोनियो डाटेज, ठीक है, क्योंकि आप इनपुट और आउटपुट फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इसलिए ये और उसके साथ साथ ये जो है कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये और आउटपुट आप ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एडर फाइल्स हैं ये आपके प्रोग्राम के अंदर मस्त शामिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी, अब आगे आपके पास आ जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अक्सर आपसे एग्ज़ाम में इसके मुतलिक पूछा जाता है, यानी एडर फाइल्स के मुतलिक भी और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के मुतलिक भी, कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू इंक्लूड अ हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसकी मदद से हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्लियर है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज नॉट अ नॉर्मल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। यानी ये बात भी याद रखें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये दूसरे इंस्ट्रक्शंस की तरह एक नॉर्मल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस नहीं है जो जिसको CPU ने एग्जीक्यूट करना है। इट इज़ अ कोड फॉर द कंपाइलर टू इंक्लूड अ हेडर फाइल। यानी बेसिकली जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं वो बेसिकली कोड होते हैं कंपाइलर्स के लिए कि आपने नेक्स्ट जो एडर फाइल्स का नाम आ रहा है उस एडर फाइल का कोड जो है वो आपने अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। द सेंटेक्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड अ एडर फाइल इन अ प्रोग्राम इज, यानी जो जनरल सेंटेक्स होता है आपके पास वो कुछ इस तरह से होता है कि एडर फाइल्स हमेशा स्टार्ट होता है एश साइन से, ठीक है, और उसके आगे आप लिखते हैं इंक्लूड और फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी एडर फाइल इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में उसका नाम लिखते हैं। एश इंक्लूड आपने मस्ट लिखना है, ठीक है, और एंगल ब्रैकेट डालनी है और एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने एडर फाइल का नाम जो है वो आपने शामिल करना है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेंटेक्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम इज एश इंक्लूड नेम ऑफ हेडर फाइल। इट बिगिंस विद अ हैश साइन फॉलोड बाय द वर्ड इंक्लूड एंड देन द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन विद इन एंगल्ड ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स आईओ स्ट्रीम डॉट एच इन अ प्रोग्राम द कोड इज, यानी कि अब एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आपने आईओ स्ट्रीम डॉट एच की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, शामिल करना है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी जैसे आपके सामने ये मैंने लिखी हुई है, एश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, क्लियर है।
अब नेक्स्ट है आपके पास के द इफेक्ट ऑफ दिस लाइन इज टू कॉपी ऑल द कंटेंट्स ऑफ आयो स्ट्रीम डाटा एच एडर फाइल इन टू द प्रोग्राम एंड मेक देम अवेलेबल फॉर यूज़। यानी ये जो लाइन है आयो स्ट्रीम एश इंक्लूड की जो लाइन है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की जो लाइन है, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है, यहाँ पे समझें, ये लाइन जो है ये कंपाइलर को मजबूर करती है कि इस एडर फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इस एडर फाइल के अंदर जो भी कोड लिखी हुई है, उस कोड को आपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना है और उसको इस्तेमाल के लिए अवेलेबल करना है। क्लियर? अच्छा, ऑलमोस्ट ऑल द सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले कि तकरीबन तमाम सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन तो मस्ट होते हैं। देयर फोर जनरली दिस एडर फाइल इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। इसलिए ये जो एडर फाइल है ये तकरीबन हर प्रोग्राम में शामिल होती है। फिर उसके बाद है कि द फॉलोइंग इज़ अनदर एग्जाम्पल फॉर इंक्लूड मैथ डॉट एच एडर फाइल इन अ प्रोग्राम। ये एक और एग्जाम्पल दी गई है मैथ डॉट एच एडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। और मैथ डॉट एच एडर फाइल कंटेन्स कोड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल फंक्शन सच एज फाइंडिंग द स्क्वेयर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, यानी मैथ डॉट एच जो है, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी एडर फाइल है जिसमें तमाम मैथमेटिकल फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, उनके लिए कोडिंग की गई है। जैसे स्क्वेयर रूट, अगर आप किसी नंबर का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट एच की हेडर फाइल जो है वो इस तरीके से अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्लियर है? फिर उसके बाद आपके पास आता है रिजर्व वर्ड्स। व्हाट इज मेंट बाय रिजर्व वर्ड्स? कहते हैं कि रिजर्व, ये इसकी डेफिनेशन है कि रिजर्व वर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स विच आर रिजर्व बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन प्रोग्राम। यानी रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं और इनको रिजर्व किया गया होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी न किसी खास मकसद के लिए। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको आप वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम्स। ठीक है, यानी इनको आप वेरिएबल नेम्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व वर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस आर एफ वाइड ब्रेक वाइल केस एंड चार। ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपके पास के, जैसे यानी कि यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपके पास कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, एफ है, वाइड है, ठीक है, चार है, केस है, ये कुछ यानी कि आपके पास रिजर्व वर्ड्स की एग्जांपल हैं। ऑल द रिजर्व वर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस लेटर। ये बात याद रखें कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखेंगे। ठीक है, उनको आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। और टोटल नंबर जो हैं आपके पास रिजर्व वर्ड्स की वो कितनी हैं? देर आर 80, अबाउट 80 रिजर्व वर्ड्स इन सी प्लस प्लस, बट दिस मे वेराई डिपेंडिंग ऑन द वर्जन बींग यूज। यानी आमतौर पर सी प्लस प्लस में 80 के करीब रिजर्व वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये रिजर्व वर्ड्स की तादाद जो होती है ये वर्जन पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, द रिजर्व वर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस आर, अब जो कॉमन रिजर्व वर्ड्स हैं आपके पास सी प्लस प्लस में, वो ये सारे दिए गए हैं, आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और कोशिश करें कि ये आपको याद हो कि जी ये रिजर्व वर्ड्स हैं और इनको हमने वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड। स्टे सेफ।